हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो आजकल आपको हर जगह दिखेगा, मिलेगा। किसी के घर जाएंगे या मॉल जाते हैं या कहीं भी हर जगह, ऑफिसेज में, सब जगह इस प्लांट को लगाया जाता है, प्रेफर करते हैं। ये देखिए, ये है एरिका पाम। इसको बटरफ्लाई पाम, गोल्डन बैम्बू पाम और आपका येलो पाम, ये इसके अदर नेम्स हैं। इसकी दो वैरायटी होती हैं। एक ये कॉमन होता है जिसकी हाइट इंडोर आपके 5 से 7 फीट जाती है और आउटडोर आपके 7 से 10 फीट के लगभग, 6 से 8 फीट के लगभग होती है। और अगर इसको ज़मीन में लगाते हैं तो कहते हैं इसकी हाइट 25 फीट तक, 25 फीट तक ऊपर जाती है। दो वैरायटी होती है इसमें, एक तो ये कॉमन जो है जो आपको मिल ही जाता है हर जगह, और एक ही आजकल आता है डार्क वैरायटी। ये देखिए, इसकी हाइट जो है सिर्फ 1.5-2 फीट बढ़ती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है। ये एक डॉर वैरायटी, इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, विंडो पे, सेंटर टेबल, डेस्कटॉप, कहीं भी, तो कॉमन है। अंदर भी चल जाता है, बहुत अच्छा चल जाता है अंदर, एंड बाहर भी चलता है, बट शेडी एरिया में बहुत अच्छा प्लांट है। चलें इसकी बात करें आगे। सॉइल के बारे में बताऊँ तो इसकी सॉइल वाइज एज यूजल आपकी वेल ड्रेनेज वाली होनी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। सॉइल जो है 50% आप ले सकते हैं, 20% इसके अंदर आप कंपोस्ट ले लें कोई भी, और 30% सैंड, ताकि रूट्स के अंदर अच्छा इरिगेशन रहे और अच्छा बढ़ जाएगी प्लांट, ठीक है। लाइट्स की बात करें तो डायरेक्ट सनलाइट कोई बेयर नहीं करता है। हाँ, सुबह की 12 बजे से पहले की 1-2 घंटे की लाइट ये फिर भी इसके लिए अच्छी है, इसकी लश ग्रीन लीफ रखने के लिए। लेकिन 12 बजे के आफ्टरनून के बाद की लाइट या सनलाइट जो है तो इसके लीफ जो है इसको ब्राउन कर देगी, येलो कर देगी सबको बिल्कुल। तो आप इसको ब्राइट शेडी एरिया के अंदर रखें जहाँ खूब तेज़ रोशनी हो। इंडोर रखते हैं तो रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडोर भी चल जाता है, बट 15 दिन के अंदर इसको 2 या 3 दिन के लिए इसको बाहर निकालें, जहाँ आपके थोड़ा सा एयर, अच्छी एयर बाहर की तरफ आउटर एरिया में, बालकनी में या टेरेस पे जहाँ भी रखें, ना शेड हो खूब तेज़, और इवनिंग में निकालें और ब्राइट लाइट में रखें इसको 2 दिन, और उसके बाद आप अंदर इसको आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी वाटर की। पानी इसको है 2 इंच की ऑयल, 2 इंच की सॉयल जो है ऊपर से ड्राई होने के बाद ही दें, उससे पहले ना दें। कई बार क्या हम प्लास्टिक के उसमें लगा देते हैं और अब देख रहे पानी डाला है बट सॉयल सूखी नहीं रही है, आपको हफ्ता हो गया सूखी नहीं रही, तो आप इसका ड्रेनेज चेक करें। इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक होल होता है इसके, तो ये कई बार क्या बंद हो जाता है कि आपने पत्थर रखा उसके नीचे की ठीकरी जो भी रखते हैं वो ब्लॉक कर देता है, तो उसको चेक कर लें, उसको थोड़ा नीचे से हिला देंगे तो पानी का निकल जाएगा और इसकी एयर पास होती रहेगी इसमें से। अदरवाइज क्या होता है कि ना जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं और ये प्लांट धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र इसको ऐसा ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। गर्मियों में आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि गर्म इसको ठंडक पसंद है पौधे को। सर्दियों में इसको फर्टिलाइज़र ना दें, फरवरी में और सितंबर में जब हम देते हैं तब अपने इसमें अच्छे से एक फर्टिलाइज़र दे दिए, 2-2 इंच की मिट्टी ऊपर से निकाल के उसके ऊपर फर्टिलाइज़र से भर के कंपोस्ट डाल के उसके ऊपर मिट्टी की लेयर बना दें, तो वैसे सारे साल जरूरत नहीं, पर बीच में थोड़ा बहुत देते रहें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी प्रपोगेशन क्या थी, कैसे होती है? इसकी प्रपोगेशन में क्या होता है कि इसकी जो स्टिक्स हैं, ये जैसे आप कोई भी प्लांट लेके आएंगे तो थोड़े दिनों बाद उसमें अपने आप ही ऐसे स्टिक निकल जाती है, देखिए साइड से अपने आप ये डिवाइड होता रहता है ऐसे, ये साइड से निकल जाती है। तो आप इसकी पूरी रूट बॉल को निकालें जब इसमें खूब सारा भर जाए, अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और जितना साइज़ है पौधे का उससे 2 इंच बड़ा गमला रखें, 2 या 3 इंच बड़ा गमला रखें, और उस गमले के अंदर आप इसको लगा दें। ऐसे आप डिवाइड करके इसको प्लांट को बढ़ा सकते हैं, ओके। दूसरी रही पेस्ट की बात, तो इसमें क्या मॉइस्चर पसंद है इसको, तो इसमें पेस्ट भी बहुत जल्दी, काफ़ी मतलब बहुत जल्दी नहीं कहूँगी बट ज़्यादा कनेक्ट रहता है पानी के साथ, तो इसमें पेस्ट लग जाता है, मिली बग लग जाता है वाइट वाला, और ब्राउन इसकी वो हो जाती है, वो भी फंगस जैसा कुछ लग जाता है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो गर्म पानी या नॉर्मल पानी के अंदर आप थोड़ा सा लिक्विड सोप या लिक्विड शैम्पू या कुछ भी, 1 चम्मच या आधा चम्मच आप ले लें 1 लीटर पानी के अंदर, उसको अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रे कर दें तो ये साफ हो जाएगा, हट जाती है वो, फिर नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं होती। और लेकिन अगर फिर भी इसको मिट्टी के साथ पत्तों को कनेक्ट रहना ना रहने दें, जैसे ब्राउन दिखता आपको कि यार फंगस लग गई इसमें, तो उसको बिल्कुल नीचे से पत्तों को हटा दें। ये मिट्टी के साथ कनेक्ट नहीं होगा तो पेस्ट अपने आप ही नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत अच्छा प्लांट है, मॉइस्चर
इसको चाहिए होती है ड्राई, जैसे गर्मियों में ड्राई एयर होती है, तो उसके टाइम आप क्या करें इसको मिस्टिंग करते रहें, नहीं तो फिर इसकी साइड में एक प्लेट रखें, उसमें थोड़े से पेबल्स और पानी रख दें, या आधी बाल्टी या बाउल में पानी आप इसके रख दें, तो इसको अपने आप मॉइस्चर मिलता रहेगा और एकदम लश ग्रीन प्लांट आपका ये रहेगा। लगाएं, बहुत ही अच्छा पौधा है, बहुत नो मेंटेनेंस, एक तरह से ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा आपको इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी कि कहीं पेस्ट तो नहीं लग गया, या पानी में मिट्टी सौगी तो, सौगी मिट्टी होगी तो ये ख़राब हो जाएगा, मिट्टी सौगी तो नहीं है, गीली तो नहीं है ज़्यादा दिन तक, आप देख रहे हैं 7-8 दिन हो गए हैं पानी सूख ही नहीं रहा है ऊपर का भी, तो इसके ड्रेनेज में प्रॉब्लम है। ब्राइट लाइट में रखें, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है, ज़्यादा क्या मांगता ही नहीं, बस पानी का ध्यान रखें। अंडर वाटर फिर भी थोड़ा सा चल जाएगा 1-2 दिन, बट ओवर वाटर तो उसको ख़त्म कर देगा। ओके दोस्तों, और इसकी टिप्स जो है ब्राउन होने लग जाती हैं, कई बार टिप्स बिल्कुल ऐसे ब्राउन ब्राउन दिखेंगी आपको, तो टिप्स ब्राउन होने का कहना, या तो आप बिल्कुल ही पानी नहीं डाल रहे हैं इसके अंदर, या आप इसमें भर भर के पानी डाल रहे हैं, तो ये अपना दिखा देता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वो पानी के कारण होती है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी बहुत अच्छा प्लांट है, लाएँ नर्सरी से अगर किसी फ्रेंड के पास या आस पड़ोस में किसी के पास हैं तो उससे बोरो करें, लगाएं और एंजॉय योर प्लांटिवर्स। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करें, थैंक यू।